गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए, लास्ट क्लास हमने क्या बात किया था? हाँ, हमने आइडियल गैस इक्वेशन डिस्कस किया था। हमने देखा था कि आइडियल गैस एक इक्वेशन फॉलो करता है, जो कि क्या है, पी बी इजिकल टू एन आर टी। पी क्या होता है? प्रेशर। वी वॉल्यूम। एन नंबर ऑफ मोल्स। आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। एन टी इज टेम्परेचर, जिसमें जो आर की वैल्यू है हम जो यूज करेंगे वो है 0.0821। ठीक है, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, सही है। चलिए, ये तो बातें हो गई थी, एक होमवर्क भी था, आपने कर लिया होगा। आगे हम देखते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एचटीपी जो वर्ड है ना, इसका मतलब समझना होगा। इसके एक्चुअल मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा, अभी कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा, सर इसमें तो टी पहले है। कोई बात नहीं, आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल लीजिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या हुआ ना, कि जब भी हम एचटीपी कहेंगे उस केस में दो चीज़ आपको कांस्टेंट मिलेंगी। कौन कौन सी? एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। देखिए, एचटीपी के भी दो तरीके हो गए एक्चुअली। पहले ओल्ड कन्वेंशन, पहले का जो चला आ रहा है वो, और एक नया हमारे रूल में भी आ रहा है। यानी कि अगर हम 100 बुक्स की बात करें तो उसमें से 90 बुक्स में अभी भी आपको यही मिलेगा, ओल्ड कन्वेंशन, पुराना वाला। लेकिन 10 बुक्स अब जो आई हैं उसमें आपको न्यू कन्वेंशन मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों सेम भी नहीं है। क्या डिफरेंस है और क्या सेम है, आइए देखते हैं। ओल्ड कन्वेंशन में हम प्रेशर को हमेशा 1 atm मान के चलते हैं। कितना? 1 atm। अच्छा, 1 atm का मतलब समझ में आ रहा है, कितना बार? हाँ, याद कर लिया आपने, 1.013 बार। जब भी एचटीपी कहा जाएगा तो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से आपको प्रेशर दिया गया है। वो आपको साफ साफ प्रेशर नहीं देगा, बस वो क्या कह देगा, एचटीपी। आपको खुद से सोचना है एचटीपी का मतलब। हाँ, वो कह रहा है कि 1 atm प्रेशर है। कितना? 1 atm प्रेशर है। चलिए आगे, टेम्परेचर कितना दिया होगा? 273 केल्विन। कैसे पता चलेगा? 0 degree Celsius। एचटीपी में हम टेम्परेचर को हमेशा 0 degree Celsius लेके चलते हैं। अच्छा, 0 degree Celsius का मतलब कितना केल्विन? 273 केल्विन। तो ये तो था हमारा ओल्ड कन्वेंशन। हाँ, ये चला आ रहा था, नहीं अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है फिलहाल। नेक्स्ट देखते हैं न्यू कन्वेंशन क्या कहता है। ये कहता है प्रेशर को आप 1 atm नहीं, 1 bar लीजिए। कितना? 1 bar। अच्छा, ये बार में इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1.013 bar। ये कहता है आप 1 bar लीजिए। अब ये दोनों का प्रेशर सेम है या डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंट है। कितना? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिफरेंस है। ये देखिए, एग्जैक्ट 1.013 है एंड दिस इज एग्जैक्ट 1, तो कौन ज़्यादा हुआ? ये ज़्यादा हुआ। तो चलिए, एक तो ये डिफरेंस है, वो भी कितने का? 0.013 का। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर इसका हमेशा कितना रहेगा? 273 केल्विन। इसके साथ ऐसा नहीं है, ये बस ये कहता है कि कोई भी टेम्परेचर ले लो वो कांस्टेंट रहेगा, वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एचटीपी का मतलब न्यू कन्वेंशन में ये है, अगर हमने 15 degree Celsius पे कोई रिएक्शन स्टार्ट कराया और एचटीपी पे करा रहे हैं, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि पूरा रिएक्शन जब तक फिनिश नहीं होगा टेम्परेचर आपका 15 degree Celsius ही रहेगा, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये नहीं कहता कि वो 0 degree Celsius है कि 5 है कि कितना है, नहीं, इस बारे में ये कोई कमेंट नहीं करता। ये बस ये कहता है कि जितना भी आपने स्टार्टिंग में लिया था लास्ट तक उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि इसका साफ साफ मतलब है कि टेम्परेचर कितना होगा? 0 degree Celsius या 273 केल्विन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, इन जनरल, क्या इन जनरल, अगर हम जनरली बात करें तो हम क्या मान के चलते हैं? 0 degree Celsius ही मान कर चलते हैं। एक्चुअली ये 4 degree Celsius होना चाहिए, लेकिन हाँ, हम इन जनरल कितना मान के चलेंगे? 0 degree Celsius, यानी कि 273 केल्विन। तो अगर हम ये मान के चलते हैं तो देखिए, टेम्परेचर तो दोनों का सेम हो गया, 0 degree Celsius 273 केल्विन, 0 degree Celsius 273 केल्विन। डिफरेंस कहाँ आया? प्रेशर में। यहाँ क्या होता है? 1 atm, जो कि
1.013 बार के इक्वल होता है। यहाँ क्या होता है, 1 बार जो कि 1/1.013 एटीएम के इक्वल होता है। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस था जो कि आपको अपने माइंड में रखना है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे किसका, हाँ दोनों का ही। तो बस वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था, क्या था, PB = nRT। ध्यान रहे ये बात आपको एकदम माइंड में बैठ जाना चाहिए, दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। खैर कम से कम गैस तो होना ही चाहिए। अगर हम कहें कि PB = nRT आप वाटर पे लगा दो तो फिर आपका गेम हो जाएगा, मतलब वो कभी भी सही आंसर आपको नहीं देगा। आप चाहें जितनी एग्जैक्ट वैल्यू रख लीजिए आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज वैलिड फॉर ओनली एंड ओनली गैस, दिस इज नॉट वैलिड फॉर वाटर, नॉट वैलिड फॉर एनी लिक्विड, नॉट वैलिड फॉर एनी सॉलिड, ओनली एंड ओनली फॉर गैस। सही है, तो बस वैल्यू उठा कर रख दीजिए। देखिए PB = nRT, प्रेशर कितना 1 atm, atm में ही रखते हैं, 1 atm दिया है। वॉल्यूम हमें निकालना है, हमने कहा था हमने क्या निकाला, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 mole, यानी कि n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो बस यहाँ पर 1 रख दिया हमने। R की वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, 0.0821, एंड टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, क्योंकि कैलकुलेशन में हमेशा हम क्या रखते हैं, केल्विन रखते हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं रखते। अगर मान लो रखते तो क्या होता, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस आता ना, सारा टर्म 0 हो जाता, ऐसा तो होता ही नहीं है, इसीलिए हम हमेशा क्या रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। तो चलो वैल्यू तो रख दिए आप, बस इनको कैलकुलेट कर लो। 1 × V की वैल्यू भी आएगी, इनको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 22.4 लीटर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम STP पे बात करें ओल्ड कन्वेंशन में, यानी कि 1 atm प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो 1 mole गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कितना, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये इसका छोटा सा मतलब हुआ। इसको हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 mole, तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ 1 mole। सही है, कर सकते हैं। अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 mole सब्सटेंस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, एट STP इट इज 22.4 लीटर। तो बस ये तो रहा, इसकी बात कर लिया हमने। इसी तरह से न्यू कन्वेंशन की बात कर लीजिए, तो देखिए यहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 1 bar होती है ना, क्या होती है, 1 bar। लेकिन हमारे फॉर्मूले में हम किसमें रखते हैं, ATM में। तो देखिए 1 bar = कितना होता है, 1.013 atm, क्योंकि हमें ATM में आंसर चाहिए। तो हम क्या करें, इस नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो 1 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.013, यानी 1/1.013। तो ये वैल्यू हमने रख दिया किसमें, ATM में, दिस इज द वैल्यू इन ATM। वॉल्यूम हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 1, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू 273 केल्विन। सॉल्व कर देंगे ये यहाँ से सारे वैल्यू, तो हमें देखिए क्या आएगा, 22.7 लीटर आएगा। ये भी है मोलर वॉल्यूम, दिस इज द मोलर वॉल्यूम फ्रॉम द ओल्ड कन्वेंशन एंड दिस इज द मोलर वॉल्यूम फ्रॉम न्यू कन्वेंशन। डिफरेंस दिख रहा है आपको, हाँ, दिस इज 22.4 लीटर, दिस इज 22.7 लीटर, डिफरेंस कितने का है, 0.3 लीटर का, यानी कि 300 मिलीलीटर का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आया, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेशर। यहाँ प्रेशर क्या था, ज़्यादा, यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम, क्योंकि प्रेशर कम हो गया इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा। सही है, समझ में आ रहा है। चलिए तो आपको इतना सारा कैलकुलेशन बार बार नहीं करना है, बस आपको याद क्या रखना है, एट STP इन जनरल हम वॉल्यूम कितना लिखेंगे, 22.7, लेकिन कई बार हम 22.4 भी यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में तो 22.4 ही दिया है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि अगर जो नंबर आप सॉल्व कर रहे हैं वह 22.7 का मल्टीपल है, यानी कि 22.7 से आराम से डिवाइड हो जाता है, तो हम 22.7 लेंगे।
अगर वो वैल्यू 22.4 से डिवाइड होता है हम वहाँ पर 22.4 ले लेंगे बस। अगर मान लीजिए हमने 22.4 के जगह पर 22.7 ले भी लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा। अगर आंसर हमारा मान लीजिए कितना आता है 22.4 लेने पर 10, जब 22.7 ले लेंगे तो ये वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो भी राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग 10 के इक्वल फिर से हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। चीज़ों को ध्यान रखेंगे, चलिए तो बस यहाँ से फॉर्मूला कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए हमें एक फॉर्मूला ये अच्छे से आता है, कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, पता है ना। अब हम जब वॉल्यूम के साथ डील करेंगे तो क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू गिवन, हाँ क्या बोलेंगे यहाँ पर? वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अच्छा मोलर वॉल्यूम का तो वैल्यू पता है हमें कितना, 22.7 या 22.4। इन जनरल हम हमेशा लेके ही चलेंगे 22.7 न्यू वाला, बट जरूरत पड़ने पर हम 22.4 भी रख सकते हैं। क्लियर है? तो बस यहाँ से आप एक वो वाला बना लीजिए जो हमें जिस फॉर्म में याद करते हैं। किस फॉर्म में हम याद रखते हैं इसको? तो हम ऐसे याद रखते हैं ना, मोल्स समझ लीजिए। हमें क्या कैलकुलेट करना? वॉल्यूम, हम यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम। अब देखिए अगर मोल से वॉल्यूम बनाना है तो अभी लास्ट लेक्चर हमने बात किया था, जब भी मोल से कुछ और बनाना होता है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं ना, ठीक है। कितने से कर देंगे? 22.7 से, या फिर किससे कर सकते हैं? 22.4 से, लेकिन हम जनरली किससे बात करेंगे? 22.7 से। इसी का रिवर्स केस, अगर वॉल्यूम से मोल निकालना हो तो क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं कितने से? मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम कितना? 22.7। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम सबको मिक्स कर देते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिख लिया मोल्स, इसमें दिख नहीं रहा है ना, कहीं और बनाते हैं। देखिए यहाँ हमने लिख लिया मोल्स, यहाँ हमने लिख लिया मास, यहाँ हमने लिख लिया पार्टिकल्स, और मान लीजिए हमने नीचे लिख लिया वॉल्यूम। तीन तरीके हमने सीख लिए। अब देखिए अगर हमें मोल से मास बनाना है क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे? मोलर मास से। इसी तरह अगर मोल से पार्टिकल्स निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई NA। अगर मोल से वॉल्यूम बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाई 22.7 या 22.4। अब अपोजिट केस, अगर हमें वॉल्यूम को मोल बनाना है तो डिवाइड बाई 22.7 या 22.4। अगर मास से मोल बनाना है तो डिवाइड बाई मोलर मास। अगर पार्टिकल से मोल्स बनाना है तो डिवाइड बाई NA। सही है? तो हम इसको इस फॉर्म में याद रखेंगे ताकि कैलकुलेशन मेरी फास्ट हो सके। सही है? तो चलिए ये सब आपको बना बनाया अभी मिल जाएगा, बस आप देखते रहिए। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो, मेरे हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या है, अभी आपने देखा वन मोल की वैल्यू कितनी आई, 22.7 लीटर। हाँ आप 22.4 भी ले सकते हैं, आपको जो मन में आए वो लीजिए, हम क्या लेके चल रहे हैं 22.7। तो बताइए वन लीटर के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे? 22.7 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ तो बचा वन लीटर, ये हो जाएगा 1/22.7 मोल। अगर मेरे पास वी लीटर है, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए 10 लीटर है तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से इधर ही। अगर 5 लीटर की बात करते तो 5 से इधर, 5 से इधर। अगर हम कहें कि x लीटर है तो x का मल्टीप्लाई इधर, x का मल्टीप्लाई इधर। वी लीटर कहे तो v का मल्टीप्लाई इधर, v का मल्टीप्लाई इधर। तो बस फॉर्मूला बन गया। देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर, सॉरी गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 और 22.7। एक तो वो तरीका है, दूसरा ये तरीका है। ये देखिए हमारा क्या है, वी गिवन एंड दिस इज मोलर वॉल्यूम, दिस इज गिवन वॉल्यूम, दिस इज
मोलर वॉल्यूम। तो आप तो ऐसे याद नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हम कैसे याद रखेंगे? इस फॉर्म में देखिए क्या दिया है, मोल्स को अगर वॉल्यूम बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाई 22.7 और 22.4, अगर वॉल्यूम से मोल्स बनाना है देन डिवाइड बाई 22.7 और 22.4। चलिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बस वो इसलिए है ताकि हम आपको दिखा सकें कि कैसे पता चलेगा आपको कौन सी वैल्यू रखनी है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कि बताइए 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास एसटीपी कंडीशन पे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? तो जब आप इस नंबर को रखेंगे, गिवन वॉल्यूम 11.2 अपॉन मोलर वॉल्यूम, तो देखिए मोलर वॉल्यूम में दो ऑप्शन आ गए ना, बस 22.4 रखें या 22.7। अब ध्यान से देखिएगा, 22.4 रखेंगे तो नंबर आराम से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, इसी का 2 टाइम्स तो है ये, तो 22.4 रख के सॉल्व कर दीजिए। अगर 22.7 रख भी देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए अगर गलती से हमने 22.7 रख दिया तो देखिए वैल्यू आएगी 0.49, कितनी आएगी 0.49, जो कि राउंड ऑफ करने के बाद कितने की इक्वल आती है 0.5। देखिए दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप सीख जाएंगे तो इससे दो फायदे, आंसर का तो कोई लोचा नहीं है, आंसर तो वैसे भी आएगा, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे का पार्ट कैंसिल हो जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। तो आप ज़रूर से एक बार इसको चेक कर लिया करिए कि 22.4 रखने पर आराम से आंसर आएगा कि 22.7। नेक्स्ट, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप घर पर ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन हम कर दें, चलिए ये क्वेश्चन हम भी कर दें, नहीं तो आप कहेंगे सर आप तो सिर्फ होमवर्क दे दिए। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं आपका। क्या दिया है, 158900 मिलीलीटर SO2 एट HTP। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। लिख लीजिए 158900 है ना, हाँ मिलीलीटर है, क्या है ये SO2 है एट HTP। हमसे पूछ रहा है बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बताइए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखिए, गिवन मास अपन मोलर मास, नहीं, गिवन पार्टिकल्स अपन NA, नहीं, क्योंकि ये वॉल्यूम दिया है, हम क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अच्छा यूनिट की तो बात ही नहीं किया हम, यूनिट हमेशा किस में होनी चाहिए, लीटर में, किस में रखेंगे हम, लीटर में। तो देखिए इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए लीटर में, तो कन्वर्ट में देखिए पीछे किस में दिया था, लीटर में दिया था ना, चलिए जाने दीजिए, कैलकुलेशन कर लिया हमने, सही रहा होगा। अब देखिए कैसे पता चलेगा सर कि लीटर में रखना है, अच्छा बताइए मोलर वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, अच्छा मोलर वॉल्यूम की जगह पे फॉर्मूला रख लेते हैं ना, क्या लगते हैं वैल्यू, 22.4 या 22.7 लीटर। अब देखिए चूंकि नीचे की वैल्यू यूनिट किस में लिखा हुआ है, लीटर में, तो ऊपर का भी क्या होना चाहिए, सेम लीटर में होना चाहिए, तो बस पहला काम तो इसको लीटर बना लीजिए। मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 10^-3 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, मिली का रिलेशन, तो बस कर लीजिए 158900 अपॉन 1000, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 158.9। अब आप करके देख लीजिएगा इतना लीटर आएगा अपॉन, अब बस चेक कर लीजिए क्या 22.4 से डिविजिबल हो रहा है या 22.7 से। तो आपको जैसे ही रखेंगे वैल्यू तो आपको आइडिया लग जाएगा 22.7 से डिविजिबल हैं। इसके डेसिमल बढ़ा दीजिए, इसके डेसिमल बढ़ा दीजिए, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ भी वन डिजिट है, यहाँ भी वन डिजिट है, तो आराम से हट जाएगा। अब देखिए ये 227 है ना, एक काम करिए इसको 7 टाइम्स चेक करिए, 7 7 = 49, 7 2 = 14 4 18 14 15, हाँ ये तो कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो आ गया आंसर कितना, 7 मोल्स। बस यही करना है, अगर आप 22.4 रखते तो ये वैल्यू ऐसा नहीं आता, ये वैल्यू कुछ और आती। मेरे पास टूल है, देखें कैलकुलेटर है, चेक कर लेते एक बार कितना है, 158.7, ठीक है, तो 1587
डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड सिंबल कहाँ दिया, हाँ डिवाइडेड बाई 22.4। देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 70.84, सॉरी 22.4 हमने गलत ले लिया, हमें क्या लेना था 224 लेना था ना, तो ये वैल्यू आएगी 7.08 मोल्स। अब देखिए ये 7 है, ये वैल्यू क्या रही 7.08, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 0.08 का डिफरेंस है, तो लगभग इक्वल आ जाएंगे। तो ये रहा आपको करने का तरीका, कर सकते हैं अब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेंगे, सारा आंसर्स आपको दिए हुए हैं। चलिए ये इसका आंसर देखिए 7 मोल आएगा। हाँ ये देखिए वही वाला लॉजिकल चार्ट है जिसमें के फॉर्म में हमें सबको याद रखना है, क्या है, मास मोल्स वॉल्यूम पार्टिकल्स। देखिए जब भी मोल से कुछ निकालना है तो मल्टीप्लाई करिए, मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड बाई 22.7 या 22.4, इन जनरल हम किसको लेंगे 22.7 को, वॉल्यूम से मोल डिवाइड कर लीजिए उसी नंबर से, मोल से मास मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, मास से मोल डिवाइड बाई मोलर मास, मोल से पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाई एन ए, पार्टिकल्स से मोल डिवाइड बाई एन ए, कर सकते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, पीछे का फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो हमें कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ये नहीं याद है तब तो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, चाहिए याद रहेगा नहीं, याद हमें करना पड़ेगा ना। देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट HTP विच कंटेंस 10 Na ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा है ये देखिए पुराने टाइप का क्वेश्चन बन गया, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे बिल्कुल वैसा ही है, उसमें हमसे क्या कह रहा था कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, यहाँ क्या कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 विच कंटेंस 10 Na ऑक्सीजन एटम्स। तो बस लिख लीजिए, CO2 दिया है तो हम लिख लेंगे पहले 1 मोल CO2, बताइए 1 मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम्स, तो इसको 1 मोल बना लीजिए पहले। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के लिए क्या करना होगा, हमको इसको 2 से डिवाइड करना होगा, ये हो जाएगा 1/2 मोल CO2, कितना कह रहा है 10 Na का मतलब 10 मोल्स के लिए हमें निकालना है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 × 10 मोल CO2, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5 मोल CO2 हो जाएगा। क्या ये आंसर है, नहीं, हमें क्या निकालना है, अभी तो ये मोल आया है, हमें मोलर वॉल्यूम निकालना है, मोल से जब वॉल्यूम निकालना होता है तो क्या करते हैं, हाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, मोलर वॉल्यूम से, मोलर वॉल्यूम हम इन जनरल कितना लेंगे 22.7, तो ले लीजिए रख दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आएगा 35 × 10 13 × 5 × 10 11, ये आ गया 113.5 लीटर। अब चाहें तो आंसर चेक कर लीजिए, देखिए सही है 113.5 लीटर। एक और क्वेश्चन करें, चलिए देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO3 एट HTP विच कंटेंस 150 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बहुत अच्छा, 150 मोल्स दिया है, 150 मोल्स के लिए निकालना है, क्या दे है SO3 है, तो 1 मोल SO3 में बताइए, क्योंकि ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन के साथ डील करेंगे, कितने ऑक्सीजन के मोल्स होंगे 3, लिखेंगे 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स, फिर क्या लिखते हैं हम यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन एटम, उसके लिए इस 3 को यहाँ से उड़ा के क्या करेंगे इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा 1/3 मोल SO3, क्योंकि हमें सॉल्व किसके लिए करना है 150 मोल्स के लिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 150 कर लीजिए, ये हो जाएगा 150 मोल ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ भी 115 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 1/3 से, तो ये लिख लीजिए 150, ये क्या हो जाएगा मोल SO3, इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा आपका 50 मोल्स SO3, क्या ये आंसर है, नहीं,
ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, हमें जो पूछा गया वो मोलर वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम पूछा गया। तो बस मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि मोल से जब कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम हम कितना लेके चलते हैं, 22.7। एक बार फिर से हम कह रहे हैं, अगर आप 22.4 लिख भी देते तो वो गलत नहीं है। फिर क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 532, ये आ जाएगा 1135 लीटर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी मैथ्स अच्छी है, आंसर आ जाएगा 1135 लीटर। कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। तो इस बोर्ड पे हो सकता है कुछ पार्ट्स आपको ना दिखाई पड़ रहे हो, तो उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि पीडीएफ हम आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो आप नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, ताकि हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकें और आपको पीडीएफ मिल जाए। पीडीएफ रहेगा तो काम आपका आसान रहेगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन होमवर्क, कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, ये जो आपको दिख नहीं रहा अच्छे से, दिस इज 8 इंटू 10^3 मोल्स, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। ये उसके आंसर्स तीनों के, ये आंसर नॉर्मल जो लिखते थे आप 10 तक वो है, लेकिन ये आंसर अब आपको लिखने की आदत पड़ जानी चाहिए। ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन वाले आंसर हैं। पीछे साइंटिफिक नोटेशन हमने पढ़ा था ना, हाँ ये उसी का यूज है। तो आपको आंसर हमेशा ऐसे करने के बाद इसमें कन्वर्ट करके लिखना होता है, कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ईच काइंड ऑफ एटम्स एंड ऑल एटम्स प्रेजेंट इन 90.8 लीटर ऑफ SO3 एट HTB। ये तो देखिए पुराने टाइप का क्वेश्चन बन गया, क्या दिया है 90.8 लीटर SO3 है ना, ठीक है। कह रहे थे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, हाँ मोल से। तो पहले मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम 90.8 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। एक तो था 22.4 और एक होता 22.7। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, 22.7 का, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, कितना आया 4 मोल्स। क्या ये आंसर है, नहीं, हमसे तो पूछा कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो 4 मोल्स का मतलब 4 NaSO3 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये रहा एक पार्ट, अभी हमसे पूछा सब बताइए, सब मतलब हाँ सभी एटम्स का भी नंबर बताना आपको। तो बस देखिए SO3 है तो आप हमें ये बताइए कि 1 मोल में कितना सल्फर दिख रहा है आपको, एक कितने हैं टोटल आपके पास, 4 Na, तो कितने सल्फर एटम हो गए, 4 Na सल्फर एटम्स। हाँ अब थोड़ा सा आप इसको क्या करिए, ओरल करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन एटम्स, एक मोल में कितने ऑक्सीजन एटम है, सॉरी एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3, आपके पास टोटल कितने हैं, 4 Na, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12 Na, क्या मिल गया आपको, ऑक्सीजन एटम्स। और आपसे एक चीज़ पूछी गई है, बताइए टोटल एटम्स कितने होंगे, काउंट करिए, एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन, टोटल कितने हैं, 4, एक मॉलिक्यूल में 4 है, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, 4 Na, तो 4 4 जा 16 Na टोटल एटम्स हो गया। या फिर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 Na टोटल एटम्स, या सिर्फ एटम्स लिख देंगे। आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना ही निकालना है। आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिए, मोल को हटा के Na लिख दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब उसके बाद आप डायरेक्ट जो एटम पूछे उस एटम के नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, क्लियर है। चलिए ये देखिए टोटल 16 Na टोटल आइटम्स आएगा, ये 4 और ये 12 यहाँ पर दिखा देखिए, सब 4 Na सल्फर आइटम्स, 12 Na ऑक्सीजन आइटम्स और टोटल 16 Na। ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 4.48 किलोलीटर। ध्यान रहे ये क्या है, किलोलीटर है। हम जो यूनिट लिखते हैं वो क्या उससे होती है, लीटर होती है। तो आप इसको कन्वर्ट करके तब आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन 1.8 लीटर ऑफ H2O एट HTP। 1.8 लीटर क्या है H2O, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑल एटम्स। तो बस वीडियो पॉज करके कर लीजिए। कर लिया आपने, गलत है। जो फॉर्मूला आपने लगाया वो फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको क्या दिया गया, 1.8 लीटर वाटर दिया गया। वाटर क्या है, एक तरह का लिक्विड है। और जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो किसके लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। लास्ट क्लास में इतना अच्छे से समझाया था कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है, गैस के लिए। तो फिर क्या करें, तो कुछ मत करिए, आप अपना थोड़ा सा पिछले क्लास का मैथ्स यूज करिए, नहीं साइंस। आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, पहले डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। हाँ, ये तो अभी पढ़ाए थे हम आपको रिसेंटली। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें ये बताइए, अगर मास और वॉल्यूम दोनों सेम हो गए तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर मिलीलीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मास और वॉल्यूम सेम हो गया, क्या कहा हमने, अगर मास और वॉल्यूम सेम हो गया तो इसका मतलब डेंसिटी हमेशा कितना आएगा, 1। या फिर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, अगर किसी चीज़ की डेंसिटी 1 है तो उसकी मास और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए, वाटर की डेंसिटी अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आज के बाद एकदम याद हो जानी चाहिए। क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मास, या जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम। अगर हम कह दें, बताइए 2 लीटर वाटर का मतलब कितना वजन हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 किलोग्राम हुआ। कुछ सोचना नहीं है, बस हमने कहा बताइए 500 ग्राम H2O का मतलब कितना वॉल्यूम हुआ, तो आप कहेंगे सर 500 मिलीलीटर हुआ, क्योंकि किलोग्राम का छोटा भाई ग्राम है तो लीटर का छोटा भाई मिलीलीटर है। कर सकते हैं, तो चलिए अब देखिए हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि डेंसिटी हमें पता है 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, 1.8 लीटर को क्या लिख सकते हैं, 1.8 किलोग्राम लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1800 ग्राम। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गिवन वॉल्यूम या गिवन मास, गिवन मास। क्यों, क्योंकि अभी तो आपको मास पता है, तो लिख लीजिए 1800 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका, वाटर का। वाटर का मोलर मास कितना आएगा, 2 + 16 = 18, डिवाइड करिए कितना आ गया, 100 मोल्स आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, अभी सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया क्या है, 100 मोल्स। 100 मोल्स क्या है, हमारे वाटर है। अब देखिए हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि बताइए कितने मॉलिक्यूल्स हुए, तो बस मोल्स को हटा के एन ए लगा दिए, हो गया 100 NA मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पहला आंसर डन। नहीं भी पूछा होगा तो कोई बात नहीं, अगर पूछता तो ये बताते, हमसे जो पूछा गया बताइए कि सबका नंबर बताइए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, बताइए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कितने हैं, 2, तो 100 NA में कितने हो जाएंगे, 2 × 100 यानी कि 200 NA कौन होगा, हाइड्रोजन एटम्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऑक्सीजन भी देख लीजिए, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन है, तो 100 NA में 100 × 1 कितना हो गया, फिर से 100 हो गया, यानी कि 100 NA ऑक्सीजन एटम्स। अब बताइए, अगर पूछता है बताइए तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कुछ बता सकते हैं, हाँ सही है। देखिए 1 and 2 3, एक मॉलिक्यूल में 3 है तो 100 NA मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 3 × 100 यानी कि 300 NA टोटल
ए टर्म्स हो जाएंगे। आप इनको चाहे तो ऐड करके भी देख लीजिए, देखिए वही आएगा 300 Na। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और जो कि कभी कभार आपको परेशान कर सकती है, क्या है? कई बार आपसे पूछ लेगा, बताइए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के नंबर्स कितने होंगे। हाँ, अब तक तो जो हमने निकाला सब क्या थे? एटम्स थे। मॉलिक्यूल्स भी निकाला हमने, तो मॉलिक्यूल किसका था? पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल का। ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए है। अब आपसे पूछे, बताइए सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब किसकी बात हो रही है? H2 की। यानी कि दो हाइड्रोजन एटम मिला के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आप बताइए, इस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितना मॉलिक्यूल है? सिर्फ एक, क्योंकि फिर आप H2 को एक ही काउंट करेंगे। तो क्योंकि एक है तो 100 Na में कितने हो जाएंगे? 100 NaH2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। हाँ, अगर हमसे पूछे कि कितने एटम्स हैं, तो 100 × 2 200 Na। अगर हमें पूछे कि कितने मॉलिक्यूल्स है, तो इस पूरे H2 को हम एक ही काउंट करते हैं, तो 1 × 100 कितना हो गया? 100। कर सकते हैं? हाँ। चेक करिए, देखिए आंसर कितना दिया है। देखिए टोटल आइटम्स पूछा था, क्या पूछा क्या हमसे? आंसर तो हमारा है 300 Na, ये तो टोटल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑल आइटम्स। हाँ, तो ठीक है, कितना आएगा? 300 Na आइटम्स। वैसे ही इसी क्वेश्चन के लिए आपको हाइड्रोजन आइटम्स और ऑक्सीजन आइटम्स के नंबर निकालने हैं, जो कि हम पहले ही अभी आपको करके दिखा दिए। तो कुछ नहीं, आप एक बार और कर लीजिएगा, दोबारा करने में कोई नुकसान नहीं है। PDF वर्क में आपको सब कुछ, ये जो PDF वर्क है इसमें बाकायदा आपको सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, ये सिर्फ हमने आपके लिए लिखा है ताकि आपके नोट्स में रहे, जब ज़रूरत पड़ी रिवीजन करने की तो आप पढ़ के खुद से समझ सकें। ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं कि आप लगे हर बार लिखने, ये सब आपको लिखना नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपकी लिखी होनी चाहिए यहाँ से, फिर तो ये सब तो आता ही आपको। कर लेंगे, तो ये आपका होमवर्क का पार्ट है, इसके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमारा नेक्स्ट होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर BCD, ये भी आप कर सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले लीजिएगा आंसर के साथ। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हाँ, एक्चुअली इसका पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर कौन सा, 8 में कवर करेंगे। बस हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेक्स्ट लेक्चर आपको तब समझ में आएगा जब आपको एटॉमिक नंबर पता हो। तो हाँ, आप एक बार पीरियोडिक टेबल देख के नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है? हाँ, कम से कम जितने के एटॉमिक मास याद हैं आपको, उतने के तो एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा। चलिए, ये क्या है? ये एक तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम को या किसी भी एलिमेंट को। ये जो जेड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। किसको? एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कभी कभार ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है, यानी कि जब हमारे किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं है, यानी वो न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होते हैं, और दोनों किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। क्लियर है? ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? सिंबल ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का सिंबल। ए क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? हाँ, मास नंबर। ये मास नंबर क्या होता है? जिसको आप एटॉमिक मास कहते हैं वही मास नंबर है, एटॉमिक मास। इसको मास नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक्चुअली इसमें तो तीनों आने चाहिए, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए नहीं लेते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लगभग 2000 गुना हल्का होता है इनके कंपेरिजन में, तो इतना ज़्यादा उसकी मास कम होती है कि हम उसको नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि चलो भाई, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर को अगर आप ऐड कर दें तो आपको उससे क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास मिल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? कर सकते हैं? तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और,
अभी हमने देखा ना एटॉमिक मास ए किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हमसे कोई कहे कि बताओ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स को इधर ही रखिए, प्रोटॉन्स को उड़ा के इधर ले आइए, इधर ए पहले से ही था, ये इधर आ गया, पॉजिटिव से क्या हो गया नेगेटिव। क्या ये फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बिल्कुल ये सब नाइन्थ वगैरह में एट वगैरह में आपने सीख रखा है, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, अभी हमने सिखा दिया आपको, बस रिलेशन पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक मास या मास नंबर है दैट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उससे ज़्यादा आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल करा दें हम आपको, 6C12 बताइए, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए 6। अब प्रोटॉन्स के साथ साथ तुरंत आप न्यूट्रॉन्स निकाला करिए, इलेक्ट्रॉन्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बताइए कि टोटल मास नंबर कितना है 12, जिसमें से प्रोटॉन कितने हैं 6, तो हमेशा ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा न्यूट्रॉन्स, तो 12 माइनस 6 यानी कि 6। अब एक चीज़ और निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है यानी कि ना ही ये कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है, तो क्या है फिर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आ गया आंसर। चलिए ये तो सिंपल है, आपको ये सब आता है फिर भी चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करा देते हैं ताकि जो न्यू होंगे उनको कुछ कुछ आइडिया लग सके। बताइए एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, पहला काम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ये एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 13 होगा, एकदम श्योर है इसमें कोई डाउट नहीं होगी। दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करें, 27 माइनस 13 कितना आ गया 14। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे यानी कि 13 होंगे, सही है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम आपको ऐसे दे देते यानी कि हम दे देते आपको लिख के बताओ एल्युमिनियम 3+ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी कभी चेंज नहीं होगा, ये भी हमेशा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस इक्वल आएगा यानी कितना आएगा 14 ही आएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब बदल गया। देखिए 3+ का मतलब हुआ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स, पहले कितने थे इसके पास 13 होते नॉर्मल केस में 13 होते, लेकिन 13 में से ये 3 तो किसी को दे दिया है तो कितना बचा 10 बचा, कर लिए समझ में आ गया, तो ये आंसर आ गया आपका 10, कर सकते हैं। चलिए ये तो सिंपल सिंपल बातें हैं, आइए कंपाउंड की बात कर ले, कौन सा कंपाउंड ले लें हम, सल्फेट ले लें, चलिए देखते हैं अमोनियम आयन ले लेते हैं, अमोनियम आयन NH4+। अब हमसे पूछ लेगा बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, तो बस आप सबको एक एक करके सॉल्व कर लीजिए, नाइट्रोजन के लिए पहले लिख लीजिए फिर हाइड्रोजन के लिए लिख लीजिए, हम कॉलम बना लेते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं प्रोटॉन्स फिर न्यूट्रॉन्स फिर इलेक्ट्रॉन्स, तो बताइए नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे 7N14 लिखते हैं ना, तो बताइए प्रोटॉन्स कितने 7, न्यूट्रॉन्स कितने 14 माइनस 7 वो भी कितना 7, अभी हम ऐसे लिखेंगे इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी हम ये मान के चलेंगे कि कोई चार्ज नहीं है तो ये कितना आ गया 7, ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए लिख लिए, एक हाइड्रोजन की बात करिए तो क्या होता है 1H1 यानी कि नंबर ऑफ ठीक है क्या हो गया हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 माइनस 1 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी तो हम नॉर्मल मान के चल रहे हैं तो 1, अब बस क्या करना है
ये किसके लिए है? वन वन के लिए। ये टोटल कितने आइटम्स है आपके पास? फोर। तो वन इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर। क्या इस फोर का मल्टीप्लाई इन नाइट्रोजन के वाले से भी होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फोर सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोजन को। तो बस देख लीजिए कितना हो गया, फोर, ठीक है, ये क्या हो गया, सेवन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए आपके? फोर एंड सेवन, इलेवन आ गया। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, सेवन, और ये तो पूरा जीरो ही है, कितना आ गया, सेवन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने हुए, ये कितना है, सेवन, ये कितना है, फोर। टोटल कितना हो गया, इलेवन। लेकिन आपका आंसर इलेवन नहीं आएगा, क्यों? इस चार्ज की वजह से। अगर ये चार्ज नहीं होता तो आंसर इलेवन ही रहता, क्योंकि ये चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन में से किसी एक का एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। नहीं पता नाइट्रोजन का था कि हाइड्रोजन का था, लेकिन किसी एक का एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेवन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो कितना बचा, टेन। बात समझ में आ गई, कर सकते हैं। तो बस अब आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर और कोई करा लें, कौन सा करा सकते हैं, देखिए होमवर्क देख लेते हैं ना, होमवर्क में से कोई एक करा देते हैं। कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सल्फेट है। चलिए देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट का करा देते हैं हम, HCO3- माइनस का। इसके साथ हम कब डील करेंगे, एकदम लास्ट में। पहले हम सबका कॉलम बना लें, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। एक तरफ हमारा हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बन और एक तरफ ऑक्सीजन। बताइए हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वन आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जीरो आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन। हम पहले तो सेम मान के चलते हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से किसका गया है, तो हम अभी वन लिख लेंगे। कैसे लिखा हमने, देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, वन एच वन होता है। तो ये देखिए इसका प्रोटॉन वन, न्यूट्रॉन वन माइनस वन जीरो, इलेक्ट्रॉन भी वन। कार्बन के लिए लिख लीजिए 6C12, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर या एटॉमिक मास कितना, 12। तो देखिए कितने प्रोटॉन्स हैं, 6। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 12 माइनस 6, यानी कि ये भी 6। इलेक्ट्रॉन्स वो भी 6, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है 6। ऑक्सीजन को लिख लीजिए एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8। चलिए यहाँ तक तो हो ही गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना, 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 माइनस 8, वो भी 8। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो नॉर्मल लेके चलते तो इतना आ गया। अब देखिए हमारा ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3। तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। ये क्या बात हुई, आंसर तो अब हम लिखेंगे यहाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखिए 1 प्लस 6 7, ये कितना आ गया, 24। तो 24 प्लस 7 कितना हो गया, 31। ये आएगा आंसर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 31। नंबर ऑफ कितना, न्यूट्रॉन्स निकालते हैं ना, न्यूट्रॉन्स देखिए ये 0 है, कोई मतलब नहीं, ये 6 है, ये 24, यानी कि 30। ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितना, 1 प्लस 6 7 एंड 24 31। अब देखिए हमारा जो कंपाउंड है, एक्चुअली रेडिकल है वो HCO3 माइनस, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इस पे माइनस चार्ज है। ये नहीं पता कौन इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसलिए माइनस चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से लिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा आ गया। पहले कितना है आपका, 31, और एक एक्स्ट्रा आ गया, तो कितना हो गया, 32। समझ में आ गया, कर सकते हैं। तो बस अब आप होमवर्क खुद से कर लेंगे। ये रहा आपका होमवर्क, और पीछे भी बहुत सारे होमवर्क है जो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच।